वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ घाटी चिकन, जिसके लिए मैंने बर्तन में एक पाम फुल तेल ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहले होल गरम मसाला डालूंगी, जिसमें 1/4 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 3 हरी इलायची है, 1 टेबलस्पून चॉप जिंजर है, 1.5 टेबलस्पून चॉप गार्लिक है, ये भी इसमें मिक्स कर लूंगी। इसे भूनेंगे। देखिए जिंजर गार्लिक लाइट कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं 2 चॉप अनियन डाल दूंगी। इसे भी पिंक होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए अनियन भी पिंक हो गई है। अभी इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। ये आधा किलो चिकन लिया मैंने। इसके साथ ही इसमें नमक डाल दूंगी। नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे फिर मिक्स करेंगे। इसे भी अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन को भी भून लिया है। अभी से मैं स्लो फ्लेम पर ढककर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून घाटी मसाला डाल दूंगी। इसे मिक्स करेंगे। मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें मैं ये टोमेटो हैं जिसे मैंने रफली चॉप किया है, ये 4 टोमेटो होंगे, इसे डालकर अच्छे से भूनूंगी। देखिए सारा मसाला अच्छे से भून गया। अब इसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। और इसे ढक के 10 मिनट और पकाऊंगी। यहाँ पर घाटी चिकन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्व कर दिया है, हरा धनिया से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।